still drive me crazy. Hey. दोस्तों कैसे हालचाल है आपके, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं, हम प्रिपेयर करेंगे डिनर। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में हम सिर्फ डिनर ही करने वाले हैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ टैकोस, और टैकोस बनाने के लिए मैं क्या क्या प्रेपरेशन करती हूँ और कैसे अपना सारा सेटअप करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर कर दूंगी। और अगर आप ये घर पर ट्राई करेंगे तो प्लीज मुझसे जरूर शेयर करना। ये बहुत ज्यादा आसान है, बहुत डिलिशियस बनता है, सारी चीजों का मजा ले सकते हैं और हाइजीनिक एंड क्लीन होता है घर का फूड। तो आज हम यही काम करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और कमेंट जरूर करना अगर आप भी मैक्सिकन के फैन हैं, और प्लीज मुझे जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो। ऑल राइट, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट करने से। चिकन ब्रेस्ट को मैंने पतली लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है, जिसकी फुटेज मिस हो गई है मुझसे। उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट किया है सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर एंड रेड चिली, एंड ऑल्सो ये मेरे पास एक टाको सीजनिंग है इसे मैंने थोड़ा ऐड कर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी हम सोया सॉस भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैं ग्लैड रैप करके फ्रिज में रख दूँगी, तब तक हम बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे। ऑल राइट दोस्तों, तो हिम्मत के पास कुछ है आपको दिखाने के लिए, वो जस्ट लेके आया है। सो लुक एट दिस, ये है बॉटल, इसमें वो अपनी ड्रिंक ऐड कर सकता है। बट इन नॉट दैट मच टी इन द साइड इवन, सो इसमें वो ड्रिंक ऐड कर सकता है। और जब वो ड्रिंक को पीने के लिए ओपन करेगा तो देयर इज अ सीक्रेट कंपार्टमेंट जिसमें मीमी ने डाली है अपने स्नैक। तो इसका नाम हिम्मत ने रखा है स्नैकी। ओ एक्चुअली एक टीवी में ऐड आती है प्रोडक्ट की, उसका नाम है स्नैकी, बिल्कुल ऐसा ही है। कलर के कार में मैस नहीं होती, तो बहुत समय से मेरे पीछे पड़ा था कि मुझे लेके दो। मैंने कहा कि वो क्यों लेके देना छठवारा, पर आज हम गए थे विनर्स, तो उसमें विनर्स में मीमी को ये मिल गया, तो कह रहा है अब मैं कार में मैस नहीं करूँगा। सो इसमें हिम्मत ने ऐड की है फिश कुकीज, एंड इसमें पानी है। सो ब्रिलियंट थिंग यू गॉट ही मैस, वी वेरी प्राउड ऑफ यू। सो यस, ये थी हिम्मत की ब्रिलियंट स्नैकी स्टोरी। सो चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, चाय मैंने नहीं बनाई, और मैंने ग्रोसरी को भी ऑलमोस्ट मैनेज कर दिया। मेरे घर की हालत बहुत ज्यादा खराब, हर तरफ मैस है, पर हम चिंता नहीं करें क्योंकि मेरे हस्बैंड की पिछले चार दिन से छुट्टियां थी और हम लोग बस रिलैक्स कर रहे थे, मजे कर रहे थे, और कोई भी काम नहीं किया, व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, व्लॉग शूट भी नहीं किया, घर को भी क्लीन नहीं किया। तो यहाँ मैंने यहाँ पे चीजें निकाल के रख ली है जो मुझे चाहिए। पेपर चाहिए, टमाटर चाहिए, गुआक के लिए एवोकाडो चाहिए, मिंट चाहिए, सिलांट्रो, लेटस एंड कॉर्न्स। दूसरी चीज़ मैं करने वाली हूँ, सालसा प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि सालसा को ही मैं मेरी बीन्स में ऐड कर लेती हूँ और इसी को मैं ग्वाक में भी ऐड कर लेती हूँ। तो सालसा के लिए मैंने एक टमाटर को अच्छी छोटी छोटी क्यूब्स में काट लिया है। बचे हुए 3 टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लूँगी ताकि प्रोसेस थोड़ा क्विक हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है। इसमें मैंने रेड चिली, ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है। इसे मैं फूड प्रोसेसर में प्रोसेस करूँगी इतना कि चंक्स रह जाएँ। मुझे बहुत ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा से चंक्स होने चाहिए, इसीलिए मैं इसमें ये मेरे हाथ से कटे हुए चॉप्ड टमेटोज़ को भी ऐड करती हूँ ताकि चंक्स हों इसमें। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर एंड मिंट ऐड कर रही हूँ, उसके बाद लाइम। इसमें मुझे लेमन का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, लाइम का बेस्ट लगता है। देन सॉल्ट एंड पेपर, और यहाँ पर रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ग्रीन ऐड कर ली है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा गार्लिक जो कि क्रश्ड है फ्रेश, उसको ऐड किया है। मिक्स कर लें और आपका ये ब्यूटीफुल डिलिशियस सालसा रेडी है। इसमें मैंने मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही ऐड कर ली थी। उसके बाद मैं राइस कुक कर रही हूँ, वैसे आप जैसे भी राइस करना चाहें करें, ब्राउन, वाइट, मैं वाइट कर रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया ताकि थोड़ा मज़ेदार राइस लगे। अब मैं बीन्स प्रिपेयर कर रही हूँ, और बीन्स यहाँ पर मैं ब्लैक बीन्स यूज़ कर रही हूँ, केन्ड। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी में थी तो मैंने कैन वाली यूज़ की हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, उसमें मैंने डाला है गार्लिक। गार्लिक जब थोड़ा कुक हो जाता है उसमें बीन्स ऐड कर दूँगी। बीन्स को कुक करने के लिए मैं थोड़ा पानी भी ऐड कर रही हूँ, और इसकी सीजनिंग करेंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ, और इसमें मैं क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर भी डालूँगी। और ज़्यादा फ्लेवर्स के लिए मैंने जो
ऑलरेडी सालसा बनाया है उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और पानी थोड़ा और ऐड कर दूंगी और इसे स्लो कुक होने देंगे ताकि जो बीन्स है अच्छी तरह फ्लेवर्स को फ्लेवर्स ले लें अपने अंदर. और मैंने थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दिया है. No one knows I'm acting every time they're asking. Make them believe that it's all good. अब बारी आती है ग्वाक की. वैसे बहुत बार होता है कि मैं सिर्फ इसको एवोकाडो को मैश ही कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने कई कुछ बना लिया है तो ज़रूरत नहीं होती, पर आज मैंने ग्वाक किस्म की बना ली है. सो मैंने लिए हैं 3 एवोकाडो और उसमें मैंने डाली है सालसा जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, मिंट एंड थोड़ा सा कोरिएंडर, सॉल्ट एंड पेपर और लाइम ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह क्रश करके मिक्स कर लेंगे हम लोग. सो हमारी डिलिशियस ग्वाक भी रेडी हो चुकी है क्योंकि इसके बिना मज़ा नहीं आता है. और अब बारी आती है कॉर्न्स की. ऑप्शनल है पर जल्दी में थी मैं और मैंने कैन वाले कॉर्न्स यूज़ करे हैं जो होल कॉर्न्स होते हैं, नॉट क्रीमी और विद एनी फ्लेवर. और रोमानियन लेटस भी मस्ट है और उसको मैंने बारीक काट लिया है रोमानियन लेटस को और इस पर भी मैंने सिलेंट्रो ऐड कर दिया है. सिलेंट्रो हर जगह जाता है. अब मैं वेजीज को स्लाइस कर रही हूँ चिकन को कुक करने के लिए. हम फजीटा किस्म का चिकन कुक करेंगे. इसके लिए मैंने ग्रीन एंड येलो पेपर को स्लाइस कर लिया है और साथ ही मैंने स्लाइस कर लिया है एक रेड अनियन. और अब हम करेंगे कुक चिकन. ऑलराइट, हस्बैंड को कितनी बार बुला के आई हूँ मैं, नहीं आ रहे. आ गए. सो ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया. अब हम चिकन कुक करेंगे, उसमें ये सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे. डैडी आई गॉट, अब मैं तो एक चीज छुपाई हुई, तो एक चीज छुपाई हुई मैं. आई गॉट अ न्यू प्लान. नो गैस करो, मैं तो 2 लेना चाहती हूँ पर इको लिया. फिर मैं पहला साड़ी को कदी नहीं ही का. हाँ ये तो पहला था आवला. This one. Butterfly. केड़ा? ये वाला. मेरे प्लांट्स नू छोड़ के मैं किते नहीं जाऊँ. राइस रेडी हो चुके हैं. चिकन कुक करेंगे हम. सो चिकन को कुक करने के लिए पैन में डालेंगे ऑलिव ऑयल और उसके बाद मैं सीधा ही चिकन ऐड कर दूंगी. चिकन में सारी ऑलरेडी मैंने सीजनिंग ऐड करके रखी है. अब इसको हम कुक करेंगे और वंस ये अच्छी तरह कुक लग रहा है, हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि फिर वो ड्राई हो जाता है. जब आपको लग रहा है कि थोड़ा कुक हो चुका है, इसमें मैं सीजनिंग चेक कर रही थी. इसमें मैं ऐड करूँगी हमारी कटी हुई स्लाइस्ड वेजीज. और बिकॉज़ वेजीज़ को अगर आप अर्लियर ऐड कर दें तो बहुत ज़्यादा कुक हो जाती है, ओवर कुक हो जाती हैं और वो अच्छा नहीं लगता है. जो इसका क्रंच रहता है ना पेपर एंड अनियंस का, वो बेस्ट फ्लेवर है. अब हम इसको कुक करेंगे कुछ मिनट्स के लिए. चिकन ब्रेस्ट है, बहुत जल्दी कुक हो जाएगा. आप देखेंगे कितना डिलिशियस लग रहा है. जब चिकन को देखें कि चिकन अच्छी तरह कुक हो चुका है, देन इसको स्टोव से निकाल लेंगे क्योंकि हमें ओवर कुक नहीं करना है. अब हमारा चिकन रेडी हो चुका है, अब हम करेंगे सर्व. ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं. अब मैं टाको के लिए टॉर्टिया को गर्म कर लूँगी तवे पे और वंस ये अच्छी तरह गर्म हो जाता है तो हम सर्व करेंगे. दिस इज़ डन. अब बारी आती है सर्व करने की और मैंने राइस भी बॉल में डाल लिए हैं और हेयर. ओके दोस्तों, तो सारा कुछ तैयार हो चुका है, हस्बैंड बनाने वाले हैं अपने लिए. तो ये है हमारा फजीटा चिकन, राइस, बीन्स, ग्वाक, सॉर क्रीम, सालसा एंड कॉर्न एंड लेटस. पत्ती बना रहे बहुत मज़ेदार अपने लिए. प्यारी है सालसा, बहुत स्पाइसी है, ध्यान रखिए. तो ये है हमारा डिलिशियस मैक्सिकन डिनर.
बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फूड बनता है और मुझे नहीं लगता कि बाहर के रेस्टोरेंट से कुछ भी कमी रहती है। और आप ज़रूर से ट्राई करें और आप जितना भी खाएं आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है क्योंकि सारा कुछ इतना फ्रेश एंड सैलड जैसा है, तो या बहुत मज़ा आता है। सो पहले हम खाएंगे टाकोस। एक एक टाकोस खाने के बाद हम बनाएंगे हमारे लिए मैक्सिकन किस्म का बोल प्लेट में। लाइक आप सारी चीज़ें ऐड करके खाएं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे घर में तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। मुझे आपकी वीडियोस एंड आपकी रिक्रिएशंस देखना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ और मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी मैक्सिकन की कुछ दिन पहले और बहुत मज़ा आया। एक्चुअली ये लेफ्ट ओवर जो बचा था मैंने अगले दिन भी खाया और मज़ा आया मुझे। तो यार दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। खा पी के मैं इतना मस्त होगी और मैं आउट्रो करना भूल गई हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट ज़रूर करना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, ईजी राइट। बाय लालू। Thank you.